ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले छोटा नागपुर से बैगा जो जनजाति वो छत्तीसगढ़ में आए और फिर छत्तीसगढ़ से अलग अलग हिस्सों में फैल गए और अभी जो बैगा जनजाति के लोग रहते हैं वो मध्य प्रदेश के 7-8 जिलों में रहते हैं और छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में रहते हैं। वनाधिकार कानून बनने के बाद भी उनको ज़मीन की पट्टे नहीं मिल रहे हैं। व्यक्तिगत जो ज़मीन वो जोत रहे हैं उनके पट्टे उनको नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास उसका कोई सबूत नहीं है, कागज़ नहीं है। इसलिए बैगा कहते हैं कि हम पहले तो सरकारी अधिकारियों से लड़ाई करके जीत जाते थे, लेकिन कानून बनने के बाद जो है हम हार गए। हम कागज़ की लड़ाई में जो है हम हार गए क्योंकि वो जिस ज़मीन पे खेती करते हैं उन्होंने कागज़ को कभी महत्व तो दिया ही नहीं। आज उसका नुकसान बैगाओं को उठाना पड़ता है। वन विभाग वाले हमने बहुत तंग करे, परेशान करें जाने। जब नरेश विश्वास आस ने तो फिर हम क्या परेशान करते थे, क्या तंग करते थे। खेत कमावन इसने तने सफा चरा में जुके गोरू ने और मारपीट करें। कभी हुआ है आपके गांव के लोगों के साथ या आपके? मोर बाप मर गए थे सन का कहते हैं सन 86 में। उसने लड़ते लड़ते उन मारपीट करके लाज के थाना में बंद कर दें। ओकर बाद मर गए समर बाप। और उस मारपीट की घटना की जानकारी जब हमें लगी तब मुझे लगा कि बैगाओं के साथ सिर्फ सेवाएं सर्विस ओरिएंटेड काम करने से कुछ नहीं होगा। बैगाओं के उनके हक, उनकी ज़मीन, उनके जंगल के बारे में उनको उनके अधिकार के प्रति जागरूकता लाना और उन्हें संगठित करने की ज़रूरत है। और इसी को देखते हुए हमने धीरे धीरे बैगा सामुदायिक संगठन को मजबूत करने के लिए बैगा महापंचायत का गठन किया और तब से जो है बैगाओं के साथ मेरा आना जाना और बैगाओं के बीच में काम करना शुरू हुआ। बैगा के ज़्यादातर बैगा जो है उनके बैगाओं की जो पारंपरिक पद्धति है खेती की, बेवर खेती करते हैं। बैगाओं की संस्कृति है उसी तरीके से बैगाओं का एक विशिष्ट खेती करने का तरीका है जिसमें वो हल नहीं चलाते हैं। एक ही खेत में 12-13 किस्मों के बीज को छिड़क देते थे। ना तो उसमें किसी तरह का ऊपरी खाद की ज़रूरत होती थी, ना तो उसे किसी तरह का कीटनाशक दवाइयों की ज़रूरत होती थी और ना ही पानी की ज़रूरत होती थी। बैगाओं की जो खाद्य एक तरह का खाद्य संस्कृति थी और उस खाद्य संस्कृति में उनको नेचुरल जो तरीके प्राकृतिक जो पोषक मिलता था वो था उनके जंगल आधारित ज्ञान का। उनके पास इतने सारे ज्ञान हैं कि क्या क्या चीज़ें जंगल से खाया जा सकता है, कौन किस मौसम में कौन सा चीज़ खाना चाहिए, ये एक ज्ञान का भंडार है बैगाओं के पास। तो बेवर की जो अनाज है, बेवर की जो फसलें हैं उसमें ये जो विशेषताएँ हैं, उसमें एक और जो विशेषता है वो ये है कि बेवर में जो अनाज पैदा होता है उसको 100 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगर किसी महिला की डिलीवरी हुई तो एक उनके बेवर खेती में होता है एक अनाज मंडिया, वो अनिवार्य रूप से डिलीवरी महिलाओं को मड़िया की रोटी खिलाते हैं। और मड़िया मतलब है अंग्रेजी में उसको फिंगर मिलेट्स कहते हैं। उसके जो साइंटिफिक एनालिसिस अगर देखें तो उसमें 344% कैल्शियम है। तो बैगा लोग कहते हैं कि मड़िया की रोटी खिलाने से ही हमारी जो महिला है डिलीवरी के 2-3 दिन बाद भी खेत में या पहाड़ में जाके काम करना शुरू कर देती है। खेती में पहले 2 बीज रहे जहाँ से नरेश विश्वास आई कति सहारन में लज के सो फिर सिंघूर के बीज ने जब हमने दहे एक बीज तो वो बीज हम प्रयास कर के जब बिगड़ाए हैं तो अभी हमरो बीज इंडिया में दथन और इंड एक बीज अभी हमरो संग है, यही बदलाव है खाना से पीना से भरपूर। खेती करने से पहले जून जुलाई से पहले ही एक अभियान चला देते, बीज विरासत अभियान। पूरा एक महीना हमारा अभियान चलता था। हम बीजों को ले जा करके गांव-गांव में ले जाते थे और गांव-गांव में ले जाके बैगा समुदाय के साथ मीटिंग करते थे और उनको फिर ज़रूरत के आधार पर बीज हम उनको देते थे। और इसी बीज विरासत अभियान के तहत हमने देवर के जो पारंपरिक बीज है उसकी बैंक बनाए हैं, पारंपरिक बीज बैंक बनाए। देसी बीजों को बचाने का जो काम है उसको देख करके अनूपपुर के बैगाओं ने भी अपने इलाके में बेवर करना शुरू किया और ये एक माहौल बना। जब डिंडोरी अनूपपुर के लोग बेवर खेती करना शुरू किया तो इसी तरीके का खेती जो है छत्तीसगढ़ के पहाड़ी कोरवा भी करते हैं। और ये हमने सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण के नाम से स्वयंसेवी संस्था हो या सरकारी संस्थाएं हो, पानी गिरने के साथ साथ ही पौधे लगाने का अभियान शुरू करते हैं और उसमें ऐसे पौधे लगाते हैं जो आदिवासियों के उपयोगी नहीं होते। यूकेलिप्टस हमने इस साल देखा कि सड़क के किनारे बैगा गांव में यूकेलिप्टस लगा रहे हैं। बैगा गांव में जो है जंगली एक जलेबी बोलते हैं, जंगली जलेबी लगा रहे हैं। बैगाओं के गांव में जो है करंज लगा रहे हैं जिसका कोई उपयोग बैगाओं का नहीं है। तो हम सरकार को इस किताब के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप पर्यावरण के नाम से भी अगर ऐसी प्रजातियां लगाएं जिसमें जिसके पत्ती, जिसके फूल, जिसके फल भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उन आदिवासी बैगाओं को भोजन भी मिलेगा और आपका पर्यावरण का जो उद्देश्य है वो भी पूरा होगा और जैव विविधता का भी संरक्षण होगा। सीरीज निकाली 3 जैव विविधता जागरूकता सीरीज। एक सीरीज ये है जिसमें हमने जो कांदा है जंगल के 25-30 किस्म के कांदा खाते हैं और इसी किताब में हमने लगभग 50 किस्म के पिहरी बैगा लोग जंगल से खाते हैं। तो हमने इस किताब में पूरा चित्र के साथ, पूरा फोटोग्राफ्स के साथ उनके बारे में लिखने की कोशिश की। कौन कौन से बीज रखे हैं पापा आपके? लाल मडिया, पंडर मडिया, कत की कांग, सिकिया, करिये कुटकी, पंडर कुटकी, बदेली कांग, बदेली जुआर, कत की कांग, लाल कतकी, करिये कतकी, पुरपुरी, रवास, पुरपुरी, खड़े मड़िया, कत की कांग। नरेश विश्वास के प्रयासों से आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? उमा मेरा इतना बदलाव आया है जैसे कि हम कोदो कुटकी खाए के क्षण दे रहना बहुत बीमार पड़ रहा। अभी जब बीजा पर जब दे है नरेश विश्वास तहान जब वो कोदो कुटकी खाथन, हम सिक्किया खाथन, जो भी जता खाए हमार ताने खाथन तो हमार बीमार हट गए है। हम सुई गोली कर कोई अवसर नहीं हुआ। आज हम लोग बहुत कम जाते हैं बैगा चक में क्योंकि हमारे साथ थोड़ा आर्थिक दिक्कतें भी है। हम ये सारे जो अभियान है बिना किसी बाहरी मदद के करते रहे हैं तो लंबे समय तक भी काम आप बिना आर्थिक के नहीं कर सकते। तो अब हम धीरे धीरे जाना कम कर दिए लेकिन लोग बेवर खेती करना नहीं छोड़े हैं। सात गांव के लोगों को हैबिटेट राइट्स के नाम से पट्टा दिया गया। अगर वो कमजोरियाँ उसमें जो खामियां हैं वो अगर दूर हो जाए तो देश में बैगा चक एक ऐसा इलाका होगा जो हैबिटेट राइट्स पाने वाले जनजातियों में से सबसे पहला जनजाति होगा। हम जब गरीब जब ओखर संग रोथन तो एक भगवान कर बराबर हमार नरेश विश्वास है। पूरा जितना बैगा जाति हन पूरा इंडिया घूम रहे और शासन से, कलेक्टर से, डीएफओ से, एसपी से सबसे मुलाकात करे जाता है और फिर कहता है कि इन गरीबों ने बंदर जैसी नचा रहे है शासन, इनको पट्टा दिया जाए कि इनखर धमकी दूर इनखर दुख हटाए, ऐसे करके लड़ता है तो हमारे पट्टा मिलना जरूरी। जितना चाहो 5 एकड़ के दे, चाहे तुम 4 एकड़ के दे, अखर हमला पट्टा दे, ऐसे करके शासन से प्रार्थना कर रहे हैं। नरेश विश्वास भी हमारा प्रयास कर रहे हैं, रात दिन हो कि तो चैन नहीं पड़े, बासी खाए न पीज न पीवे, तसी हमारो पीछू दौड़ रही है बेचारा।